पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपको बंगाल से टिकट मिला था लेकिन आप काराकाट ही क्यों? मतलब देखिए, हर इंसान चाहता है कि मैं अपने घर में रहूं, समाज में रहूं, और अपने समाज में रह के ही हम कुछ ऐसा काम करें जिसको हर कोई याद रखे। तो वो आसनसोल से टिकट नाम मेरा अनाउंस हुआ, मैंने अपना नाम क्यों वापस ले लिया, बीत गई सो बात गई, उस पर ज़्यादा वार्तालाप करके कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ काराकाट लोकसभा से, और निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, मनोज तिवारी जी की कुछ प्रतिक्रिया आई थी कि मतलब हम उनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उस बात पर सर क्या कुछ करना? मनोज भैया हमारे बड़े भाई हैं और मनोज भैया का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। रही बात चुनाव लड़ने की, तो आप सब भी देखे हैं, सुने हैं, आप सब भी जानते हैं कि मैं माँ का आशीर्वाद लेके आप सब के बीच में आया हूँ, अपने जनता के बीच में आया हूँ। मेरी माँ ने ये बोल दिया कि आज से मैं अपना बेटा काराकाट को सौंप रही हूँ, तो माँ का आशीर्वाद लेके एक बेटा आया है अपने जनता के बीच में, तो चुनाव में लड़ रहा हूँ, बैक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा जी, जन आशीर्वाद जो यात्रा है, जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब क्या उद्देश्य है आपका? मैं कैसे अच्छा होगा? अच्छा, ये सब जन संवाद जो ये है, आशीर्वाद जो सलाह सड़कों पर नजर आया, उसको सर क्या कहें, कैसे उसको मतलब वोटिंग में उसको बदलेंगे, क्या कहेंगे जनता से? भोजपुरी का देखिए, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ या चाहे बोला हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, मैं सबसे छोटा कलाकार हूँ और हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। रही बात जो आपने पूछा कि जैसे रोड पे भीड़ आई, उसको वोट में आप कैसे बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो आपको एक बात बता दूं, पवन सिंह अपने जीवन में जितना लोकगीत गाया है, जितना फोक मैं गाया हूँ अपने जीवन में, मुझे लगता है कि अपने जीवन में कहीं उससे ज़्यादा मैं भक्ति सॉन्ग गाया हूँ। और भक्ति गाना जैसे देवी गीत हो गए, छठ हो गए, सावन के भजन हो गए, तो देवी गीत तबे मार्केट में सुनाई देला जे के माई बहन आशीर्वाद दे ली जाए। तो मुझे छोटा बच्चा हो गया, यंग जनरेशन हो गया, माई हो गई ली, बहन हो गई ली, चाची हो गई, आजी हो गई, बाबा हो गई, दादा हो गई, तो आप सब के आशीर्वाद से पवन सिंह एक ऐसा कलाकार है जो अपने जनता के दिल में बसता है, दिमाग में नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि जवन भीड़ हमारे खातिर रोड पे आई वो वोट में भी बदली। सर सर, जैसे बहुत सारी जातियाँ हैं, हर जात के लोग वोटर हैं, हर गांव में हर तबके के लोग हैं, तो उन कलाकार सभी जातियों को कैसे साधेंगे आप, कैसे करेंगे? एक कलाकार, वो चाहे पवन सिंह हो या कोई भी कलाकार, अगर नाम कमाता है दुनिया में तो सिर्फ आपके आशीर्वाद से नहीं, सिर्फ आपके आशीर्वाद से नहीं, सबके आशीर्वाद से। तो कलाकार के लिए जाति मायने नहीं रखता है। मुझे कोई एक नहीं बनाया है, मुझे हर लोग ने बनाया है, सब ने बनाया है, तो मेरे लिए सब भगवान हैं, मेरे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, हमारे लिए सबका ओहदा ये है। अच्छा, नामांकन कब तक मतलब होना किया है, हर जात के लोग वोटर हैं, हर गांव में हर तबके के लोग हैं, तो उन कलाकार सभी जातियों को कैसे साधेंगे आप, कैसे करेंगे? एक कलाकार, वो चाहे पवन सिंह हो या कोई भी कलाकार, अगर नाम कमाता है दुनिया में तो सिर्फ आपके आशीर्वाद से नहीं, सिर्फ आपके आशीर्वाद से नहीं, सबके आशीर्वाद से। तो कलाकार के लिए जाति मायने नहीं रखता है। मुझे कोई एक नहीं बनाया है, मुझे हर लोग ने बनाया है, सब ने बनाया है, तो मेरे लिए सब भगवान हैं, मेरे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, हमारे लिए सबका ओहदा ये है।
अच्छा नामांकन कब तक, मतलब नामांकन भी आएंगे लोग उसमें? नामांकन हमारा है 9 मई को है नामांकन, 9 मई को मैं कर रहा हूँ। और आप सब आशीर्वाद दीजिए, जनता से बढ़ के हस्ती के हो सकेला, जनता से बड़ा कौन हो सकता है? एक कलाकार के साथ, एक बेटा के साथ अगर हमारी जनता खड़ी है तो सबसे बड़ी हस्ती है। एक लास्ट सवाल ये सर कि आप पावर, मतलब ये पावर भी लोग आपको कहता है सर, मोहन सिंह बोलता है सर, और आप सब देवी गीत भी गाते हैं और लोग पर आप बार बार भरोसा देता रहे कि हमारे माई बाप जो ब्याह हमारे गार्जियन सभी लोग बा, हम जो ही लोग कही कही, तो ये सर सब करने के बावजूद भी कहीं लोग घबरा तो नहीं जैसे राजा राम सिंह कर रहे हैं कि नहीं ओ गाते हैं तो ठीक है हम भी मतलब उनको हम जीतेंगे और जीतने के बाद उनको मतलब अपने साथ बुलाएंगे, इस तरह के बयानबाजी तो नहीं होनी चाहिए? भैया क्या है, 32 साल से पवन सिंह गायक है, 20 साल से फिल्मों में एक्टिंग कर रहा हूँ एज ए हीरो। तो आज के डेट में पवन सिंह का क्या महत्व है अपने ऑडियंस के बीच में, ऑडियंस हमको कितना प्यार करता है, मैं आज के भी समय में जहां मित्रता होती है वहां फ्री में कर देता हूं, आज के भी समय में जहां मित्रता होती है वहां मैं फ्री में गाना गा देता हूं। हमारी इंडस्ट्री में भी कहा गया है और कहा जाता है कि पवन सिंह को कोई प्रेम से और आंसू से खरीद सकता है, पैसे से नहीं। तो मैं प्रेम में बिकने वाला इंसान हूं। और रही बात जिसका आपने नाम लिया कि हम बुलाएंगे, हमको प्रेम से अगर कहीं कोई बुलाएगा तो बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन बात में अगर दूसरा भाव होगा तो फिर पवन सिंह को कोई बुला नहीं सकता। अच्छा बिहार तक के दर्शकों को क्या कहेंगे जो आपको दर्शक अभी देख रहे हैं? बिहार तक के दर्शक से हम यह कहब कि भोजपुरी संसार, भोजपुरी दुनिया, हिंदुस्तान में जहाँ भी भोजपुरी बोला जाता हमारा उधर है, और आज के डेट में जनता का प्यार इतना मिला है और मिल रहा है कि आदमी दिल से बोलता है कहीं भी कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। सर काराकाट में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है सर, फिल्मी क्या कोई भी नहीं है सर, लोग सब क्या आप करेंगे सर? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। तो एज ए देखिए विकास का काम तो करना ही है, जैसे सड़क बढ़िया हो, स्कूल कॉलेज बढ़िया हो, बढ़िया इलाज की व्यवस्था हो, ये सब मतलब बढ़िया शिक्षा, बढ़िया इलाज, बढ़िया से चले की व्यवस्था शहर में या गांव के जौन बाहर रोड बा जाम ना लगे, अच्छे से गाड़ी कहीं कोई भी पार्किंग हो जाए। विकास के काम के साथ साथ मेरा ये भी कोशिश रहेगा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक मिनी फिल्म सिटी भी बने, और मेरी दिली इच्छा है कि अगर मैं विजय हो जाऊंगा तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मेरा काराकाट ग्रीन सिटी हो जाए। बहुत बहुत अच्छा हुआ सर, रोजगार मिलेगा सर, अगर बुरा नहीं माने तो दोस्त सब सर एक गाना गुनगुना देंगे सर, दर्शक खुश हो जाएंगे देख के सर आपको। भैया मैंने देखिए ये भी इतिहास में एक पहली बार ऐसा हुआ है कि पवन सिंह चुनाव का गीत गाया है और आज 8वां दिन का शाम हो रहा है, चुनाव का गाना पहली बार इतिहास में 1 नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा है। तो ये मतलब एक कलाकार जिसे देखिए, मान लीजिए मैं सिंगर हूँ, एक्टर हूँ और अपने जीवन की तीसरी पारी मैं खेल रहा हूँ और इस पारी का शुरुआत मैं कलाकार से कर रहा हूँ, चुनाव का पहला गाना, इस चुनाव का पहला गाना मैं गाया और 8वां दिन हो गया, शाम हो रहा है, 9वां दिन होने वाला है और नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। अरे सुनाए बड़की माई, सुनाए बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखी हाइया, आइल करा काट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी,
आशीर्वाद मांगेला घूमी घूमी।